हे गाइस वेलकम बैक टू नरपुर। तो गाइस आज की इस वीडियो में इस ड्राइंग के ऊपर कलरिंग करने वाला हूँ और इस ड्राइंग की आउटलाइन ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो की लिंक आप लोगों के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और इस ड्राइंग को करने के लिए मैं यहाँ पर डॉम्स की ये सुपर सॉफ्ट वाला कलर पेंसिल का यूज कर रहा हूँ जो कि 24 सेट्स के। तो चलो अभी ड्रॉइंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को डिफरेंस फोटो में देखो हनुमान जी की फुल बॉडी में ही हम ब्राउन कलर से डार्क वैल्यूज को दे सकते हैं, इवन हेयर्स और ज्वेलरी में भी। तो वो करने के लिए मैं यहाँ पर ब्राउन कलर की कलर पेंसिल का यूज कर रहा हूँ और डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर ज्यादा डार्क एरियाज है वहाँ पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग कर रहा हूँ और नॉर्मल एरियाज में हल्का हाथ से सेटिंग कर रहा हूँ और जो भी लाइट पार्ट्स है, जो भी लाइट एरियाज है, वो सब एरियाज को छोड़ के ही सेटिंग कर रहा हूँ। तो बेसिकली डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर जितना डार्क होगी वहाँ पर उसी हिसाब से हमें प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग करते जाना है। बाकी आप लोग का भी देखो ध्यान से मैं कहाँ पर किस तरीके से सेटिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट अभी इस पत्थर में भी सेम उसी टेक्निक से ही प्रेशर ज्यादा कम करके हमें ग्रे कलर से सेटिंग कर लेना है। तो जहां पर जितना डार्क होगी वहां पर उसी हिसाब से हमें सेटिंग करते जाना है और लाइट एरियाज को छोड़ के सेटिंग करते जाना है या फिर एकदम हल्के हाथ से सेटिंग करते जाना है। ओके नेक्स्ट अभी हनुमान जी की धोती में पहले जिस तरीके से ब्राउन कलर से लाइट एरियाज को छोड़ के सेटिंग किया था सेम अभी उसी तरीके से ही फार्मूला न्यू कलर से नहीं तो डीप ऑरेंज कलर से सेटिंग कर लेना है। और अभी उसके बाद जो भी लाइट एरियाज को छोड़ के सेटिंग किया था उसमें अभी येलो कलर से वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग कर लेना है और बाकी फुल एरियाज में लो प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग कर लेना है। और लास्ट में अभी डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके छोटा मोटा जो भी डार्क वैल्यू उसको देना है उसमें अभी ब्लैक कलर से सेटिंग करना है। और पत्थर में अभी थोड़ा डिफरेंस फोटो जैसा कलर इफेक्ट को देने के लिए गोल्ड, ऑरेंज, डीप येलो, डीप ग्रीन इस टाइप की कलर से सेटिंग कर लेना है। ओके नेक्स्ट अभी हेयर्स में ब्लैक कलर को यूज करके पहले जिस तरीके से हेयर की डायरेक्शन में ब्राउन कलर से सेटिंग किया था सेम अभी उसी तरीके से ब्लैक कलर से सेटिंग करते जाना है। बट थोड़ा ध्यान रखना लाइट एरियाज को छोड़ के हमें सेटिंग करना है ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। ओके नेक्स्ट अभी हनुमान जी की स्किन में यानी फेस में और बॉडी में स्किन कलर को ऐड करना है। तो वो करने के लिए मैं यहाँ पर फुल स्किन के एरिया में ही मीडियम प्रेशर अप्लाई करके फ्लेस्टिन कलर को यूज करके सेटिंग कर रहा हूँ। और सेम चीज अभी डीप येलो कलर से करना है बट इस बार बहुत ज्यादा लो प्रेशर अप्लाई करके करना है वो चीज। और लास्ट में अभी थोड़ा डार्क वैल्यूज जहाँ पर भी चाहिए उस टाइप के एरियाज में भी ब्राउन कलर से सेटिंग करना है। पहले फर्स्ट लेयर में जिस तरीके से ब्राउन कलर से सेटिंग किया था सेम अभी उसी टेक्निक से ही सेटिंग कर लेना है। और पत्थर में अभी राम नाम लिखने के लिए मैं यहाँ पर एट्रेलिक ब्रास पेन का यूज कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो यहाँ पर कलर पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। और लास्ट में भी क्योंकि ये एनिमे ड्राइंग है तो हनुमान जी की फुल आउटलाइन में ही अच्छी तरीके से फिर से एक बार फाइन लाइनर से बॉर्डर दे रहा हूँ। ओके हनुमान जी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अभी बैकग्राउंड में यानी राम मंदिर में देखो टोटल दो कलर्स है, ऊपर ये डीप येलो कलर और नीचे ये हल्का ब्लू ग्रे टाइप की कलर है। तो इसको कलर करने की सबसे आसान तरीका ये है कि ऊपर के एरिया में सबसे पहले डीप येलो कलर से एकदम लो प्रेशर में सेटिंग कर लेना है और नीचे के एरिया में लाइट ब्लू कलर से फुल एरिया को कवर कर लेना है। तो मैं अभी वही चीज कर रहा हूँ, बाकी आप लोग अभी देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाओगे। बट ध्यान रखना एकदम लो प्रेशर में ये चीज आप लोगों को करना है।
नेक्स्ट अभी ऊपर की तरफ प्रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके और ब्राउन कलर को यूज करके छोटे छोटे पार्ट पकड़ के डार्क वैल्यूज को देते जाना है। एक ही बार में करने को मत जाना, नहीं तो आप लोग गलती कर बैठोगे। छोटे छोटे पार्ट पकड़ के आप लोगों को ये चीज करना है, तभी देखना धीरे धीरे ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। बाकी मैं अभी किस तरीके से कर रहा हूं आप लोग ध्यान से देखो। और लास्ट में एक्स्ट्रा जो भी डार्क वैल्यूज को देना है तो उसके लिए आप लोग ब्लैक कलर से सेटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट अभी नीचे वाला पार्ट में भी सेम उसी तरीके से ही करना है जिस तरीके से मैं ऊपर वाला पार्ट में किया था, बट इस बार डार्क वैल्यूज को देने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज कर रहा हूँ। बस एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, एकदम लो प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग करना है। और जहाँ पर ज्यादा डार्क चाहिए वहाँ पर आप लोग थोड़ा बहुत प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग कर सकते हो। और हाँ, क्रॉस हैचिंग टेक्निक का अप्लाई करके आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग करना है, तभी आप लोगों को आर्टिस्टिक लुक मिल जाएगी। और बाकी नीचे जो भी छोटे छोटे सामान है उसमें भी सेम अभी इसी तरीके से डार्क वैल्यूज को देते जाना है। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, जस्ट मैं किस तरीके से कर रहा हूँ आप लोग को भी ध्यान से देखो। और अभी फिर से क्योंकि ये एनिमे ड्राइंग है तो फाइन लाइनर से फुल ड्राइंग के ऊपर हमें आउटलाइन को देना है ताकि एक फाइन लुक मिल जाए हमें, और एकदम से जो भी डार्क वैल्यू चाहिए वो भी हम इस फाइन लाइनर से दे सकते हैं। और हाँ, जिसके पास फाइन लाइनर नहीं है, मैं पहले पार्ट में भी बोल चुका हूँ, आप लोग ब्लैक बॉल पेन का यूज कर सकते हो। सो फाइनली गाइस, ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोग को ये ड्राइंग पसंद आई है। सो मिलते हैं अभी आर्ट कॉम्पिटिशन की रिजल्ट की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सभी को जय श्री राम, बाय।